अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ एक और नए अंदाज़ में टर्की टर्किदना कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी हमेशा की तरह सीहें भी हम लोग घर पे ही बनाएंगे मैं ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी जिसे फ़ॉलो करके आप लोग बेहतरीन किस्म के कबाब घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ टेंडर एंड जूसी जायकेदार ये कबाब तैयार होते हैं वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है इंशाल्लाह यूज़फुल रहेगी वीडियो आज फिर बिना टाइम्स आए कि ये जल्दी से ये बेहतरीन किस्म के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे एक मेरे पास स्मॉल टू मीडियम साइज़ का प्याज़ है प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इस रेसिपी में छिलके उतार लेंगे और इसको रफ़ सा मैं काट लूँगी आप लोग चाहें तो सब्जियों को फाइन चॉप कर सकते हैं छुरी की मदद से जो कि मैं हमेशा करके दिखाती हूँ आप लोगों को लेकिन अभी मैं चॉपर में इसको करूँगी तो रफ सा मैंने इनको काट लिया शिमला मिर्च लेंगे मीडियम साइज़ की इसको भी रफ सा हम लोग काट लेंगे मेक श्योर कि शिमला मिर्च के बीज इसके अंदर ना जाएं इस तरह से इसके अंदर वाला जो पार्ट है वाइट वाला ये भी निकाल देंगे इसको भी जैसे प्याज़ कट किए रब बस कट करके साइड पे रख देंगे हरी मिर्च लेंगे अपने जायके के मुताबिक डिपेंड करता है कि कितनी तीखी हरी मिर्च आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आपने बीज निकाल के इसका वाइट वाला पार्ट निकाल के फिर यूज़ करना है चलिए साइड पर रख दें इसको भी अब यहाँ पे तकरीबन तीन से चार खाने के चम्मच आपने पार्सले या फिर धनिया ले लेना जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसको भी चॉप करके साइड पे रख देंगे तमाम चीज़ें रेडी करेंगे फिर लास्ट में हम लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे अब जो सब्जियाँ मैंने रफ सी डाइस की थी इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी प्रोफेशनली इसको छुरी की मदद से चॉप किया जाता है जो कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देखेंगे आदाना कबाब मैं बहुत डिफरेंट तरीक़ों से सिखा चुकी हूँ औरिजिनल देसी टच के साथ और मेरे अपना लेकिन आज मैंने इसको चॉपर में चॉप किया है तो यहाँ पे चिकन थाए का मीट है जिसके साथ हल्की हल्की सी चर्बी लगी हुई है मैं बहुत सी वीडियोस में ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि जब आप चिकन ब्रेस्ट का मीट यूज़ करते हैं तो आप घी का इस्तेमाल करेंगे थाई मीट यूज़ करते हैं साथ में चर्बी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसका कीमा बना लेंगे मशीन में या फिर चॉपर में अगर चॉपर में बनाते हैं तो मेक श्योर sure इसकी पेस्ट नहीं बनानी अगर चिकन ब्रेस्ट का कीमा यूज़ करें तो इतनी क्वांटिटी में दो खाने के चम्मच आपने घी डालना जैसा कि ये टिप मैंने रिसेंटली हनजई कबाब की वीडियो में शेयर की थी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलो की है हनजई कबाब बाई कुकिंग में पैशन आप चेक कीजिएगा तो जो सब्जियां हम लोगों ने चॉप की थी हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से पानी निचोड़ के फिर डालेंगे एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है पार्सली या धनिया जो भी आप यूज़ करें चॉप करके जो रखा था वो डाल देंगे नमक अपने जायके के मुताबिक कूटी हुई लाल मिर्चें एक खाने का चम्मच एक चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर अगर ना हो पेपरिका पाउडर तो फिर आप कश्मीरी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने इस्तेमाल की है ये तीखी नहीं है तो आप अपने हिसाब से डालिएगा अगर आपके पास तीखी हो तो फिर थोड़ी कम डाल लीजिएगा अब आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है जैसे आटा हैं ना उस तरह से जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे कबाब बाइंड होंगे ये देखें अगर तो इस तरह से मुलायम है कबाब का टेक्सचर और बाइंड हो रहा है आपस में तो इसका मतलब है कि आपके कबाब सीख से कभी भी नहीं गिरेंगे और जायकेदार टेंडर एंड जूसी कबाब तैयार होंगे अगर तो कबाब का मिक्सचर जो है ना वो टाइट हो बहुत ज़्यादा तो फिर कबाब भी वैसे ही बनेंगे ये देखें लचक देख रहे ना कीमे में तो इसका मतलब है कि अच्छे से बाइंडिंग हो रही है इनकी तो ये सीहों से नहीं गिरेंगे कवर करें एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें यहाँ पे छः मेरे पास वुडन वुडन्स हैं पतली वाली एक तरफ उसके टेप लगाएंगे और फॉइल पेपर में रैप कर देंगे जैसा कि आप में से बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इंटरनेट पर ये बनाने का मैथड सबसे पहले कुकिंग विद पैशन के चैनल पर शेयर किया गया अलहमद सुपर हिट मैथड रहा और वीडियो मेरी वायरल रही आप सर्च करें अदाना कबाब बाय कुकिंग विद पैशन तो आपको ओरिजिनल टर्की शादाना कबाब की रेसिपी मिलेगी बहुत से लोगों ने इस मेथड को फॉलो किया और रेसिपी को भी फॉलो किया अल्हमदिल्ला बहुत अच्छा फीडबैक रहा मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो कमर्शियल है, सी हैं और जो घर पर हमने सीहे बनाई हैं सेम टू सेम है कोई फ़र्क नहीं तो आज एक सलाद तैयार करते हैं यहाँ पे प्याज़ है छोटे से साइज का प्याज़ है स्लाइस में कट कर लिया टमाटर डालेंगे पार्सलिया धनिया थोड़ा सा डाल के नमक सुमक सुमक ना हो तो अनारदाना पाउडर डालें ना हो तो फिर अवॉइड करें रहने दें थोड़ा सा लीम्बू का रस ताज़ा लीम्बू का रस ना हो तो थोड़ा सा सरका भी डाला जा सकता है हल्के हाथों तो इसको मिक्स करेंगे और साइड पर रख दें एक घंटे के बाद इसको फ्रिज में से निकालेंगे एक घंटा फ्रिज में मैंने इसलिए कहा है कि कीमा ठंडा हो जाएगा ना तो कबाब की शेप होल्ड करना आसान हो जाएगा ठीक है तो बाकी आप वेदर पे डिपेंड करता है जैसा वैदर होगा या कीमा बिल्कुल ताज़ा यूज़ करें तो फिर फ्रिज में रखना ज़रूरी है लेकिन अगर आप पहले से ही ठंडा कीमा यूज़ करें तो फिर आधा घंटा भी रखेंगे तो काफ़ी रहेगा हाथ आपने गीले करने हैं पानी के साथ एक बोल बनाना है जिसमें क्रैक नहीं होना चाहिए आप गौर करें कि अभी सिर्फ मैंने फैलाया उसको सीख के ऊपर अब मैं अंगूठे और उंगली की मदद से हल्के हाथों दबा के उसमें निशान लगा दूँगी ये जो मैंने रिसेंटली हुंज़ई कबाब की रेसिपी शेयर की है और टर्किश अदन कबाब स्मॉल साइज में जो मैंने बनाना सिखाया ना उसको मैंने इस तरीके से बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाए थे तो आप में बहुत पसंद किए बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया तो इसलिए मैं आज चिकन आदाना कबाब को भी बहुत आसान तरीके से बना रही ताकि सब लोग रेसिपी को इंजॉय कर सकें आप चेक करें फिंगर इम्प्रेशन देते वक्त आपने उंगली और अंगूठे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना और बहुत ज़्यादा पानी से हाथ गीले नहीं करने बस हल्का सा आपने उसको गीला करना है ताकि कीमा अगर चिपक रहा है तो वो ना चिपके ठीक है यहाँ पे मेरे दस कबाब तैयार हुए थे बाकी डिपेंड करता है कि साइज़ क्या रखते हैं आप लोग कबाब का हल्का सा आपने तवे को ग्रीस करना है और जितने भी कबाब आएंगे उतने डालेंगे मैं हमेशा की तरह चार कबाब फिट आते हैं मेरे पैन में तो मैं चार ही डालूँगी अगर आपने मेरे से पिछले वाली अदना कबाब की वीडियोस मिस कर दी हैं तो आप सर्च करें अदना कबाब बाय कुकिंग कुंग पैशन रिसेंटली मैंने हंजई कबाब की रेसिपी शेयर की माशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छा फीडबैक रहा और मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया था जिसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं आपने इसको लो टू मीडियम लो हीट पर पकाना है और साइड चेंज करते हुए पकाना है आपने छोड़ नहीं देना इसको साइड चेंज करते रहेंगे ना तो एक जैसे कुक होंगे दोनों तरफ से हीट ज़्यादा नहीं रखनी है एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा कि हमने इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल किया इसलिए जब आप कबाब बनाएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर के तरह के मार्क्स आएंगे जैसे अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं अगर आप लोग चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना तो फिर इतने डार्क नहीं होंगे फिर वो लाइट आएंगे आप लोग सर्च करें चिकन टिक्का सीख कबाब बाई कुकिंग विद पैशन या फिर चिकन अदाना कबाब बाई विद पैशन जो इससे पहले वाली मैंने कबाब की रेसिपी शेयर की है उसमें मैंने चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया था आज चिकन थाई मीट यूज़ किया ना तो दोनों में फर्क होता है मैंने इसमें चर्बी का इस्तेमाल किया है तो चर्बी के साथ जब भी आप कबाब बनाएंगे तो उसका कलर थोड़ा सा ऐसा होगा पैन में या तवे में बना के ठीक है कोयले में डिफरेंट कलर आता है तो यहाँ पे आप माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के टेंडर जूसी आप लचक देखें कितनी है कबाब के अंदर बहुत ही टेंडर कबाब तैयार होते हैं ओवर कुक मत कीजिएगा हल्की हीट पे मैंने इसको पकाया ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं कुक किया आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें चलें आप इसकी रोल भी बना सकते हैं राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ी मिक्स सैलड है मेरे पास जो प्याज़ बनाई थी अभी प्याज़ वाली सैलड वो डालेंगे कबाब रखेंगे बेहतरीन जायकेदार खूबसूरत किस्म के कबाब हैं हमारे ये बहुत ही ज़्यादा मजे के कबाब तैयार होते हैं बहुत बेसिक चीज़ों के साथ बनाया ना कम मसालों के साथ ग्रीन चटनी डालेंगे अगर ग्रीन चटनी की रेसिपी आपने मिस कर दी है मेरी तो सर्च करें ग्रीन चटनी बाय कुकिंग विद पैशन तो एक ही चटनी को पांच डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना मैंने बताया है तो ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोल बना के भी आप सर्व करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा बहुत ही परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है रेसिपी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो आप लोगों के कबाब भी इसी तरह से तैयार होंगे वालेकुम आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार आसान और यूनिक सी बीफ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी इसमें चीज़ भी स्टफ़ करेंगे और बिना चीज़ के भी तैयार करेंगे बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ टेंडर जूसी जायकेदार ये हेल्दी बीफ कबाब घर पे तैयार हो जाते हैं मैं इन कबाबों को फ्रीज़ करने के तीन मुख्तु तरीके भी शेयर करूँगी आपके साथ तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखने है ताकि कोई भी काम की बात मिस ना हो जाए क्योंकि मैं आपके साथ बहुत काम की बातें शेयर करती रहूँगी तो आज फिर जल्दी से बेहतरीन रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमी यहाँ पे एक बर्तन में चार से छः जवे लहसन के जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं दो इंच का टुकड़ा अदरक का है मेरे पास और थोड़ा सा धनिया लेंगे तकरीबन एक चौथाई कप के बराबर ठीक है हरी मिर्चें से पाँच या फिर अपने जायके के मुताबिक डिपेंड करते हैं कि कितनी तीखी हैं लाल वाली मिर्चें तीन से चार ना हो तो हरी वाली ज़्यादा डाल दीजिएगा किसी चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें या जिस तरह भी आप पीसते हैं आप इसको पीस लेंगे और एक साइड पर रख देंगे यहाँ पे उसी चॉपर में मैंने डेढ़ सौ ग्राम प्याज था स्मॉल टू मीडियम साइज़ का उसको चॉप कर लिए इसको भी साइड पे रख देंगे बस अब मिक्सिंग करनी है हम लोगों ने यहाँ पे 500 ग्राम मेरे पास बीफ का कीमा है जिसमें 10 से 20 परसेंट चर्बी होनी चाहिए अगर चर्बी ना हो तो एक से दो खाने के चम्मच आप इसमें घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा बारीक कीमा है लेकिन मैंने एक ही दफ़ा मशीन से निकाला है, दो दफ़ा नहीं निकाला लेकिन कीमा बारीक होना चाहिए जो हम लोगों ने चीज़ें चॉप करके रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे लेकिन मेक श्योर कि प्याज का पानी आप निचोड़ के डालेंगे बाकी सब्जियों का पानी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें इतना पानी होगा ही नहीं ठीक है तो प्याज का पानी निचोड़ के डालेंगे अब इसमें नमक डालेंगे अपने जायके के मुताबिक काली मिर्चें आधी चाय का चम्मच जो कि मोटी कुटी हुई हैं बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है कुटी हुई लाल मिर्ची मतलब कि चिली फ्लेक्स एक चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर एक खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला आधी चाय का चम्मच अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन कबाबों में आपको मेन जो जायका ना वो हरी मिर्चों का मिलेगा बाकी नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि कबाब अच्छे क्यों नहीं बनते टूट क्यों जाते हैं तो मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है जितना अच्छा गूंदेंगे इसको उतनी ही अच्छी बाइंडिंग होगी ये देखिए देख रहे कितना मुलायम सा हो गया तो आप इसको आटे की तरह गूंदेंगे और जब आप इसको उठाएंगे हाथों में तो ये हाथों पर चिपक जाएगा तो ये एक निशान है जब आपके हाथों पर चिपक गया ना तो मतलब कि आपकी पैटी बहुत थोड़ा जी तैयार हो जाएंगी टूटेंगी नहीं अब चाहें तो आधा घंटा या एक घंटा इसको फ्रिज में रख दें मेरे पास टाइम नहीं है मैं फ़ौर से ही पैटी की शेप दूँगी पानी से हाथ गीले कर लें या कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लें मैंने पानी से हाथ गीले किए हैं अपनी मर्ज़ी का साइज़ लेंगे बॉल बनाएंगे और इस तरह से दबा के पैटी की शेप दे देंगे तो सिंपल कबाब तैयार हो जाएंगे अब चीज़ जो स्टफ़ करनी है उसके मैं तीन तरीके बताऊँगी पहला मैथड यह है कि एक बॉल बनाएँ थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लें और इसमें चीज़ रखेंगे मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज डाली है तकरीबन तो एक से डेढ़ खाने का चम्मच अच्छी तरह से इसको सील करेंगे पहले वीडियो को गौर से देखिएगा फिर से इसका बॉल बनाएंगे तो ये है पहला तरीका आपने बोल बना के हाथों में दबा के इसकी शेप बना लेनी है मोटी पतली बड़ी छोटी आप अपने हिसाब का साइज़ रखेंगे जो भी आपको पसंद है इस तरह से ये पहला तरीका है कबाब बनाने का देखो कितनी आसानी से बन जाते कबाब चलिए दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो भी साइज़ रखना है ना कबाब का उसी हिसाब से दो छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे ठीक है दो छोटे छोटे से बॉल तैयार करेंगे आप किसी सरफेस के ऊपर कोई कटिंग बोर्ड ले लें कोई सीधी प्लेट ले लें इस तरह से जो दो बोल बनाए हैं इसको फ्लैट करना है उसके लिए पहले प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे बोल रखेंगे फिर से प्लास्टिक की शीट बिछाएंगे, फिर इसके ऊपर आप कोई कटिंग बोर्ड ले लें कोई फ्राई पैन ले लें कोई प्लेट ले लें कोई भी सख्त चीज़ सीधी होनी चाहिए उसके साथ आप वज़न डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी कुछ इस तरह से तो ये हमने पतली पतली सी दो पैटीज तैयार करनी है अगर आपके पास प्लास्टिक शीट या क्लिंक रैप ना हो तो आप बेकिंग शीट यूज़ कर सकते हैं जो कि बेकिंग के लिए यूज़ की जाती है पाचमेंट पेपर या फिर बटर पेपर चलें ये जो फ्लैट की थी इसके अंदर मैंने मोजरेला चीज़ रखी है चीज़ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा एक से डेढ़ खाने का चम्मच तो दूसरी जो पैटी फ्लैट की थी वो इसके ऊपर रख के साइडों से पहले सील करेंगे फिर अंगूठे और उंगली की मदद से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे ताकि स्मूथ सी एक शेप बन जाए और फिर फैला देंगे जितना भी आपको साइज़ रखना है तो ये था दूसरा तरीका आप साइज चेक करें और माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट पैटीज बन के तैयार हो रही हैं तो ये मेथड फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी तीसरा मेथड ये है कि आप अपनी मर्जी का साइज़ जो बनाना है उसी हिसाब से कीमा लेंगे हाथों में फैला के सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने पहले मेथड में बनाई थी इसमें चीज़ स्टफ करेंगे सील करेंगे और फिर से इसका बॉल बना लेंगे चलिए आप किसी कटिंग बोर्ड पर या फ्लैट सरफेस के ऊपर आप प्लास्टिक की शीट रख के बोर्ड रखेंगे फिर से ऊपर प्लास्टिक की शीट रखेंगे और इसको किसी फ्लैट चीज़ की मदद से वज़न डालेंगे सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने पिछले मेथड में बताया मैंने आपको आप कोई प्लेट ले लें कोई फ्राई पैन ले लें कोई देश की ले लें जो जो भी सख्त चीज़ होनी चाहिए वज़न डालें और इसको फ्रीज़ करने का पहला तरीका ये है कि इसी क्लिंक रैप में आप इसको कवर करें अब इसको किसी जिप लॉक बैग में डाल दें या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दें दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर ले लें उसके अंदर बोल बना के रखेंगे इसको प्रेस करेंगे और इसी तरह से इसको उठा के किसी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर किया जा सकता है कबाब फ्रीज़ करने का तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से पैटी किसी कंटेनर में रखें एक प्लास्टिक की शीट बिछाएं फिर से एक पैटी की लेयर रखें इसको बंद करें और फ्रीज़ कर दें चाहें तो इसी डब्बे में ही इसको फ्रीज़ कर लें और चाहें तो आप इस कंटेनर से जब जम जाए तो तब निकाल के किसी जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं ठीक है तो एक महीने के लिए आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं तो फ्राई करके भी दिखा देती हूँ आपको मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन ली है थोड़ा सा ऑयल मैंने यूज़ किया इसको सिर्फ ग्रीस करने के लिए ठीक है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे हेल्दी रेसिपी है तो इसको हेल्दी तरीके से ही बनाएंगे जितने भी कबाब आसानी से आएंगे उतने ही डालेंगे ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये बीफ के कबाब हैं तो आप इसको मीडियम लो हीट पे पकाएंगे एक साइड को आठ से दस मिनट लग जाएंगे कीमा बारीक इस्तेमाल कीजिएगा जिन लोगों को लगता है कि कबाब नहीं गलेंगे तो गल जाएंगे कीमा एक तो बारीक होना चाहिए दूसरा मसल मसल के आटे की तरह आप उसको गूंदेंगे ना तो कबाब कच्चे रहने का कोई चांस नहीं है जैसे आटा गूँते हैं उसी तरह से आपने है इतना कि कीमे के अंदर अच्छी तरह से लचक आ जाए जायकेदार कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं और कीमा जो है वो गल भी जाएगा इसके अंदर कोई मीट टन यूज़ नहीं किया तो माशाल्लाह से आप इसकी रंग चेक करें खूबसूरत मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये देखें इन कबाबों के अंदर चीज़ स्टफ़ करना ज़रूरी नहीं है ये बिना चीज़ के भी बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं मुझे क्योंकि इनके बर्गर तैयार करने हैं एक तो ये वजह है दूसरी वजह यह है, है चीज़ स्टफ़ करने की कि बच्चे शौक से खा लेते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ डाल देती हूँ तो आपकी मर्जी है आप इसको बिना चीज़ के भी बनाएंगे ना तो ये बेहतरीन और जयकेदार तैयार होंगे तो जिनको चीज़ पसंद है तो भैया आप चीज़ डाल के बनाएं और इन्जॉय करें टेंडरनेस चेक करें किस तरह रूई की तरह ये सॉफ्ट है हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं तो बस कीमा अच्छी तरह से मसल मसल के गेंगे तो इनशाला आपके कबाब जो है वो गल जाएंगे अगर आप लोग भी घर पे परफेक्ट कबाब तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो इनशाला आपके कबाब भी बहुत अच्छे बन तैयार होंगे अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ हनजई कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है झटपट से तैयार हो जाती है इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं ये भी आज आप इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही कम मसालों के साथ ज़बरदस्त किस्म के जायकेदार कबाब तैयार करेंगे तो अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो आज ये फिर स्टार्ट करते हैं बसमीम यहाँ पे बोनलेस चिकन है और आज मैं इसे चिकन थाई में बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा फ़ैट लगा होता है इस वजह से मैंने चिकन थाई का मीट यूज़ किया अगर आप लोग चिकन ब्रेस्ट का मीट यूज़ करते हैं तो फिर आप दो खाने के चम्मच इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चिकन ब्रेस्ट के साथ कोई भी चर्बी नहीं लगी होती ठीक है फ़ैट चाहिए हमें अच्छे कबाब बनाने के लिए जो लोग कंप्लेन करते हैं ना बाज़ार जैसे कबाब नहीं बनते तो आप फ़ैट ज़रूर इस्तेमाल किया करें अक्सर मैं वीडियोस में घी का इस्तेमाल करती हूँ तो आज मैंने यहाँ पे थाई मीट यूज़ किया एक दिन मैंने सीज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था आप लोग चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं पानी न छोड़ के डालेंगे हरी मिर्च है आपने हरी मिर्च अपने जायके के मुताबिक डालनी है बारीक काट के लहसन का पाउडर है एक चाय का चम्मच अदरक का पाउडर आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें जो मैंने फ़्रेश अभी ग्राइंड किए हैं एक चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर है एक खाने का चम्मच बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया मैंने इसका और घर का बना हुआ खुशबूदार गर्म मसाला एक चाय का चम्मच लाल मिर्चों का सिर्फ हल्का सा टच है इस रेसिपी में आधी चाय का चम्मच नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा तो एक किलो कीमे में आधी चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों को डाला है सिर्फ़ हल्का सा टच है इसमें ठीक है तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चार से पाँच मिनट आप इसको बहुत अच्छी तरह से मसल मसल के ग लीजिएगा और अगर आप लोग यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने दो खाने के चम्मच घी डालना नहीं भूलना ठीक है बहुत सिंपल सी रेसिपी है हूंजई कबाब के अंदर जो मेन फ्लेवर है ना वो काली मिर्चों का होता है तो ये इसका टेस्ट करने का ये तरीका है कि जब आपके हाथों पे ये चिपक रहा है ना कीमा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर है जो लोग कंप्लेन करते हैं ना सीहों से गिर जाते हैं या कबाब ठीक नहीं बनते तो आप इस तरह टेस्ट करके देख लीजिएगा ये इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए चिकन की बोटियों में पानी बिल्कुल भी नहीं था फिर उसके बाद मैंने उसका कीमा किया चॉपर में कर लें या मशीन से निकलवा लें ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कीमा थोड़ा सा बारीक होना चाहिए अब यहाँ पे कबाब की शेप देंगे मैंने कीमे को बिल्कुल रस नहीं दिया बहुत झटपट रेसिपी है इतनी कम सीजनिंग है इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप रखना चाहें तो रख दें ऑयल के साथ मैंने हाथों को और सीख को ग्रीस कर लिया है अब मैं इसको बहुत रफ सी शेप दे रही हूँ क्योंकि मैं रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी बना रही हूँ कोशिश यही है कि आसान तरीके से बनाएं ताकि सब लोग रेसिपी को कम टाइम में इंजॉय कर सके छोटे छोटे से मैं मिनी कबाब बना रही हूँ लेकिन आप बड़े कबाब बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी देगी बस मैंने रफ से इसको शेप दिया अगर आप इस तरह से फिंगर इंप्रेशन नहीं भी देते बिल्कुल फ्लैट रखते हैं तब भी ठीक है जो लोग कहते हैं कि सीख पर ठीक नहीं बनते उतरते नहीं तो आप गौर से देखें सिर्फ उसको मैंने हल्की सी शेप दी है उंगलियों की मदद से मैंने उस पर निशान लगाए हैं जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और आप बहुत आहिस्ता से इसको स्लाइड करेंगे तो ये खुद बहुत सीख से अलहदा हो जाएगा देखा आपने तो यहाँ पे मेरा आखिरी कबाब भी तैयार है तो ये जो साई है ना बिल्कुल परफेक्ट है रमज़ान के लिए दावतों के लिए टी टाइम के लिए स्नैक टाइम के लिए क्योंकि वैरायटी में चीज़ें बनती हैं तो स्मॉल साइज़ जब स्नैक्स या कबाब होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको फ्रीज किस तरह से कर सकते हैं आप लोग वो भी आप देख लें यहाँ पे आपने कोई कंटेनर ले, ले लेना है उसमें आपने एक लेयर लगानी है कबाब की फिर उसके ऊपर आपने प्लास्टिक रखना है क्लिंग क्लिक्रैप फिर दोबारा से आपने कबाब की लेयर लगानी है ठीक है अगर इस तरह से कंटेनर नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर कोई आप लोग बेकिंग ट्रे ले लें उसके अंदर फैला दें अच्छी तरह से सेम इसी तरह ऊपर कवर करके फ्रीज़ कर दें जब वो फर्म हो जाए तो फिर आप उसको निकाल के किसी डब्बे में या फिर जिप्लोक बैग में रख लें एक महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं ठीक है बहुत ही आसान रेसिपी और मज़ेदार कबाब बनते हैं इन कबाबों में आपको लगेगा कि सिर्फ काली मिर्ची डाली हुई है लेकिन हल्की सी लाल मिर्च जाती है इसके अंदर चलें फ्राई करके भी दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे एक फ्लैट तवा ले लेंगे या फिर पैन का भी यूज़ किया जा सकता है दो से तीन खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे और एक एक करके कबाब इसमें रख देंगे मीडियम लो हीट पे हमने इसको कुक करना है और साइड हम लोग चेंज करते हुए कबाबों को पकाएंगे कबाब के दरमियान में कोई सुराख नहीं है हमने पतली सी सीख इस्तेमाल किया है इसलिए इन कबाबों को पकने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा टाइमिंग डिपेंड करती है कि आपने कितने मोटे पतले कबाब बनाए हैं तो उसी के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा पंद्रह से बीस मिनट लग सकते हैं जो अभी जितनी थिकनेस मेरे कबाबों की है इनको पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे मीडियम लो हीट पर पकाना है ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है साइड हम चेंज करते रहेंगे कबाबों को आगे पीछे करते रहेंगे दरमियान वाले साइड पर साइड वाले दरमियान में मैंने इन कबाबों को हेल्दी तरीके से बनाया कम ऑयल का यूज़ किया कम सीजनिंग इसमें डाली है बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं इसमें नमक मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाला करें तो साइडों से भी मैं इसको कुक कर लूँगी अगर आप लंबे लंबे कबाबों की शेप देना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी कबाब की वीडियोस चेक कीजिएगा अदन कबाब बाय कुकिंग विद पैशन तो आपको पता चल जाएगा कि आप लंबी इसको शेप कैसे दे सकते हैं यहाँ पे आप इसका कलर चेक कर लें मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की है आराम सुकून से मैंने इसको मीडियम लो हीट पे पकाया ताकि एकदम इनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ये आराम से अंदर से पक भी जाए तो कलर अब आप पर डिपेंड करता है ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं लेकिन अभी इसमें कसर है ये पकेंगे थोड़े से और तो मैं पका के फिर आपको दिखाती हूँ जितना भी कलर आपको पसंद है आप पका लें चलो मेरे हिसाब के मुताबिक यहाँ से यहाँ पे कलर आ गया जितना मुझे पसंद है तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मज़े के और हेल्दी कबाब की रेसिपी है आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं रमज़ान के लिए बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन है तो रेसिपी तो ट्राई करनी बनती है मैंने साइड पर वाइट सॉस हमस और अपना ग्रीन देसी जो रायता होता है वो सर्व किया है तो आप लोगों ने इस रेसिपी को मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है बनाएँ और फ्रीज़ करें और अगर आप लोग बनाती हैं तो फीडबैक अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना आपने नहीं भूलना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार किस्म की रेसिपी को इंजॉय कर सकें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसके अलावा मज़ीद और कबाब की रेसिपीज़ या राइस की रेसिपीज़ के लिए बहुत से स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे जाएं वीडियोस चेक करें इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी वालेकुम आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही इजी बीफ कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही कम और बेसिक मसालों के साथ बेहतरीन किस्म के ये कबाब तैयार हो जाते हैं पैन में बनाएंगे और साथ में कुछ सब्जियां भी फ्राई करेंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से टेंडर जूसी जायकेदार ये कबाब तैयार करेंगे तो अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो आज ये फिर स्टार्ट करते हैं बिसम आधा किलो मेरे पास बीफ़ का कीमा है जो मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया पानी न लिया लिया एक दरमिया साइज़ का प्याज है जिसको मैंने कद्दूकश करके उसका पानी नचोड़ दिया धनिया तीन से चार खाने के चम्मच चॉप किया हुआ हरी मिर्च एक खाने का चम्मच या जायके के मुताबिक चॉप की हुई लहसुन का पाउडर एक चाय का चम्मच अदरक का पाउडर आधी चाय का चम्मच चिली फ्लैक्स घुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच गरम मसाला घर गर का बना हुआ खुशबूदार एक चाय का चम्मच अजवाइन एक चौथाई चाय का चम्मच नमक जायके के मुताबिक डालिएगा मैंने एक चाय का चम्मच डाला है लाल मिर्चों का पाउडर आधी चाय का चम्मच या जायके के मुताबिक लहसन और अदरक का ताज़ा पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन जो पहले से बना हुआ पड़ा होता ना वो वो यूज़ मत कीजिएगा मेरे पास फ़्रेश नहीं था इसलिए मैंने पाउडर का यूज़ किया पहले वाली पेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी दो खाने के चम्मच देसी घी क्योंकि कीमे में चर्बी नहीं थी अगर आप लोग चर्बी के साथ कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है मैंने जो कीमा यूज़ किया की है इसमें चर्बी नहीं थी कीमे को मैंने वॉश कर लिया था छन्नी में डाल के रख दिया था और फिर हाथों की मदद से मैंने उसका पानी जो एक्स्ट्रा था वो निचोड़ दिया प्याज को भी मैंने कद्दूकश कर लिया था फिर हाथों में दबा के प्याज का भी पानी निकाल दिया था तो इस रेसिपी में किसी भी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया इन तमाम चीज़ों को हमने चार से पाँच मिनट के लिए गूँध लिया आप गौर करें कीमे का कलर चेंज हो गया लाइट हो गया टेक्स्चर भी मुलायम हो गया इतना गूँ लेना आपने इसको फिर एक बोल बनाएंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे फिर से देखें एक छोटा सा मैंने पोर्शन लिया इसको हाथों में दबा के बोल बना लूँगी ताकि जो क्रैक हैं वो रिड्यूस हो सके और इस तरह से रोल बना लेंगे मैंने कीमा बारीक इस्तेमाल किया लेकिन दो दफ़ा मशीन से नहीं निकला हुआ ये एक ही दफ़ा मशीन से निकला हुआ है अगर आप बहुत ही बारीक कीमा इस्तेमाल करेंगे तो कबाब तो बहुत स्मूथ तैयार होंगे क्रैकलेस लेकिन उसका टेक्सचर और इन कबाबों के टेक्सचर में बहुत फ़र्क होगा ये आप जब खाएँगे तो आपको कीमे का इसमें टेक्स्चर मिलेगा तकरीबन तीन खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया जितने भी कबाब आसानी से आएंगे इसमें डाल देंगे मीडियम हीट पे अब आप इसको इतना पका लें कि ऑयल जो है वो गर्म हो जाए और हल्के हल्का सिमर होना स्टार्ट हो जाए कबाब मतलब के पकना स्टार्ट हो जाए अब इसको कवर कर देंगे हीट बिल्कुल लो कर देंगे लो हीट पर पाँच मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि कबाब के अंदर जो भी पानी है वो निकल जाए तो अगर तो कीमे में से पानी ज़्यादा निकले तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है मैं कबाब की साइड चेंज करूँगी और एक से दो खाने के चम्मच तकरीबन मैं इसमें पानी डालूँगी फिर से कवर करेंगे स्टीम में दम में इसको पकाएंगे दस मिनट के लिए तो दस मिनट जब दम में आप इसको कुक करेंगे तो ये अंदर से बहुत ही टेंडर और जूसी कबाब तैयार होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल नहीं किया तो ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने इसी तरह से ही बनाना है यहाँ पे बिल्कुल ये कुक हो चुके हैं कलर आपकी मर्ज़ी है डार्क कलर देना तो डार्क दे दें लाइट देना तो लाइट दे दें मैं अभी इसको निकाल लूँगी बाकी के फ्राई करके तो एक दफ़ा तमाम कबाब फिर से मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा डार्क कलर कर लूँगी अब ऑयल जो है ये निकाल देंगे और सेम पैन को यूज़ करते हुए प्याज और शिमला मिर्च डिफरेंट कलर की मैंने यूज़ किया इसको स्टर फ्राई कर लेंगे आपने इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है और ऑयल में तो बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना एक तो अनहेल्दी है दूसरा ऑयली हो जाएंगी ना सब्जियां तो खाई भी नहीं जाएंगी बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा कबाब जो फ्राई किए थे वो इसके अंदर डालेंगे बस इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लें ताकि दोनों चीज़ें एक जैसी गर्म हो जाएँ एक जैसे हीट अप हो जाएँ और फिर इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार, खूबसूरत किस्म का प्लेटर हमारा तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं तो कबाब का कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक दीजिएगा लाइट या फिर डार्क लाइट कलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था अगर आपको वो लाइट कलर पसंद है तो बस आपने उसको उतन, उतना ही रखना दोबारा से फ्राई नहीं करना मैंने दो दफ़ा फ्राई की है इसको डार्क कलर देने के लिए मैंने इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व किया है आप सर्च कीजिए ग्रीन चटनी बाई कुकिंग विद पैशन तो पाँच डिफरेंट तरीक़ों से मैंने चटनी को इस्तेमाल करना बताया है तो रेसिपी तो मस्त ट्राई करनी बनती है बहुत ही आसान रेसिपी है मेरे कहने इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी एंड ओबियस रिमेंबर गाइज़ होम मेड इज़ द बेस्ट मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा खुश रहें आबाद रहें खुशियाँ बांधते रहें अल्लाह हाफिन